स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। आज हम इस प्लांट में काम करने वाले हैं जो विंटर में भर भर के फ्लावरिंग देता है और इसके फ्लावर बड़े प्यारे होते हैं। वैसे तो ये प्लांट परमानेंट ही है, पर विंटर में ये फ्लावरिंग करता है और इसका नाम है डैंटस, जो कि कार्नेशन फ्लावर का दूर का रिश्तेदार है। और आज हम इसी की कटिंग लगाएंगे और मैंने इसकी फोटो लगा दी है अपने स्क्रीन में। ये प्लांट मेरे पिछले साल के ही हैं। मेरे पास 4 कलर थे, पर बारिश के कारण 2 खराब हो गए। इसे बस बारिश के सीजन में ही बचाना होता है, फिर हमें उस साल फ्लावर की कमी नहीं होगी। अब करते हैं हम कटिंग की तैयारी। और हमें चाहिए कटिंग के लिए ऐसा ब्रांच जो मोटा हो और थोड़ा सा पुराना। ऐसे कटिंग में 14-15 दिन में रूट आ जाती है अच्छी तरह। और हम ग्रीन ब्रांच को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि उसका सड़ने का डर होता है। तो करते हैं हम कटिंग। हमने ले लिया है कटिंग, तो हम इसके नीचे के लीफ हटाएंगे। हम रहने देंगे 5-6 लीफ ऊपर के, और मैं ऐसे करके सारे कटिंग से लीफ हटा देता हूँ। और मैंने सारे लीफ हटा दिए, बस रहने दिया इसमें 5-6 लीफ मैंने, वो भी ऊपर के। अब हम तैयारी करते हैं रूट हार्मोन के। थोड़ा सा पानी लेकर उसमें फिर हम रूट हार्मोन डालेंगे, फिर उसे अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि वो मिल जाए पानी साथ और वो बन जाए एक पेस्ट की तरह। अब हम एक एक करके कटिंग को उसमें डुबोएंगे, इससे अच्छी तरह रूट हार्मोन उस कटिंग में लग जाए। और ये जरूरी नहीं है कि हम रूट हार्मोन का ही इस्तेमाल करें, बिना रूट हार्मोन के भी इसमें रूट आ जाती है, पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है रूट निकालने में। अगर हम रूट हार्मोन का प्रयोग करते हैं तो 14-15 दिन में ही ये अपनी नई रूट निकाल देता है, नहीं तो ये 20-25 दिन में अपनी नई रूट निकालता है। और मेरे पास थोड़ा बचा हुआ था तो मैंने उसको ही यूज कर लिया। अब करते हैं पानी देने की तैयारी। पानी में 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर डालेंगे, उसके बाद हम उस पानी को हिलाएंगे, अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि पानी के साथ मिल जाए हमारा एंटी फंगस पानी के साथ। और मैंने ले रखी है कटिंग लगाने के लिए ये रेत, इसको भी अच्छी तरह देंगे पानी हम, क्योंकि मैंने इसे रखा था धूप में सूखने को 2-3 दिन, तो मैं इसे भर के ही दूंगा पानी। अब हम कटिंग लगाने की तैयारी करते हैं, तो एक लकड़ी की मदद से उस रेत में हम होल करेंगे, और होल पास पास भी नहीं करना ना ही दूर दूर, इतनी जगह बना देनी है कि कटिंग के आसपास से हवा गुजर सके। अब करते हैं हम कटिंग लगाने की तैयारी, और कटिंग लेकर उस होल में लगा देना है। मैं ऐसे ही एक एक करके कटिंग लगा देता हूँ। अब लगा दिया मैंने पूरी कटिंग, तो हम उसमें पानी देते हैं। और मैंने ये कटिंग किया था 14 अक्टूबर को, 14 दिनों के बाद। आज है 27 अक्टूबर, तो आज हम चेक करेंगे कि इसमें रूट कितनी बनी है और रूट अच्छी आई है, और बाकी कटिंग को भी देख लेते हैं। सभी कटिंग में रूट अच्छी आई है। अब बात करते हैं हम पॉट की, तो पॉट मैंने ले रखा है 8 इंच का पॉट, और मैंने इसकी गहराई कम कर दी है क्योंकि डैंटस फ्लावर का रूट फैलता है वो, ना कि वो अंदर को जाता है, इसीलिए इसे हम सेलो पॉट पर लगाते हैं, ऐसा पॉट जिसमें गहराई कम हो, और ऐसे ही पॉट में फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो बात करते हैं हम मीडिया की। इसमें है 60% मेरे खेत की मिट्टी, और 30% है इसमें गोबर की खाद, वो भी 2-3 साल पुराना, और 10% है इसमें बॉर्न मील, और इन तीनों को मिलाकर अपना मीडिया तैयार किया है मैंने। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, जब मुझे कोई प्लांट लगाना होता 1 महीने पहले ही उसकी मीडिया तैयार कर लेता हूँ। पहले हम पॉट में एक सेंटर में एक होल करेंगे, उसके बाद उस प्लांट को उस होल में लगा देंगे और मीडिया को थोड़ा सा दबा देंगे चारों तरफ से, और मैं ऐसे ही सारे प्लांट को लगा देता हूँ। अब रह गया पानी देने का काम, वो भी हम कर लेते हैं। अभी तो मैं इसे अपने शीट हाउस के अंदर ही रखूँगा, 1 हफ्ते अंदर ही रखूँगा, फिर मैं इसे ऐसी जगह रखूँगा जहाँ से धूप मिले सुबह से शाम तक की, क्योंकि विंटर सीजन के फ्लावर को सूरज की रोशनी पसंद है, इसी में अच्छा ग्रोथ करते हैं।
जब इस प्लांट में थोड़ी सी ग्रोथ होगी तो मैं आपको इसका अपडेट दूंगा, क्योंकि हमें इसे बुशी भी करना है तो हमें काम बहुत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।